उत्तर प्रदेश के बिजनौर में कांग्रेसियों ने जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कांग्रेसियों ने कहा कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और गरीब मजदूर भूखे मरने की कगार पर हैं और बेरोजगारी चरम पर है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की। ये हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस के आह्वान पे पूरे देश के अंदर प्रदर्शन है। जिस तरह से बीजेपी की सरकार पूरे देश के अंदर फेल हो चुकी है, आज युवा बेरोजगार है, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, शिक्षा मित्रों ने कितनों ने आत्महत्या की है, ये कर क्या रहे हैं? ये हिंदू मुसलमान पे बंटवारा चाहते हैं, ये आईजी के नाम पर, ईडी के नाम पर लोगों को, नेताओं को बोलने नहीं देना चाहते। आज मैं यहाँ आप लोगों के बीच में बोल रहा हूँ, हो सकता है कल को मेरे यहाँ भी छापा पुलिस लगाने का काम करेगी।